हेलो फ्रेंड्स, यम्मीरुमा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं चूरचूर नान। चूरचूर नान को हम अक्सर रेस्टोरेंट या ढाबा में खाते हैं, लेकिन मैं आज इस मज़ेदार नान को घर पर ही बहुत ही आसानी से बनाने का तरीका बताऊंगी। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। चूरचूर नान के लिए हम सबसे पहले आटा लगाकर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बर्तन में 1 कप गेहूँ का आटा, 3/4 कप मैदा। अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच चीनी, 1/2 छोटी चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच फ्रेश दही, साथ में डालेंगे 3 बड़ी चम्मच देसी घी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को आटे में अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए आटा हमारा वाइट हो रहा है, तो घी इसमें एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। चूरचूर नान बनाने के लिए आटा हमारा ना बहुत ज़्यादा गीला और ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अब हम इसको हाथों से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। तो आटा हमारा तैयार है। अब हम इस पर 1/2 छोटी चम्मच देसी घी डालेंगे और इस घी को आटे के ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि आटा हमारा बाहर से ड्राई ना हो। अब हम 1/2 घंटे के लिए आटे को ढक कर रख देंगे। तो आटा हमारा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम इसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए एक बर्तन में 150 ग्राम पनीर लेंगे, जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, इनको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। 1 बड़ा साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 1/2 छोटी चम्मच भुना पिसा जीरा, 1/2 छोटी चम्मच साबुत खड़ी धनिया। धनिया को हम हथेलियों की सहायता से रगड़ कर डालेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो चूरचूर नान के लिए स्टफिंग हमारी तैयार है। 1/2 घंटा हो गया, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे और उसको वर्क स्पेस पर स्प्रिंकल कर लेंगे और इस पर हम आटे को रखेंगे। अब हम उंगलियों की सहायता से इसको स्ट्रेच करेंगे और बेलन की सहायता से इसको बेल लेंगे। हमें इसको थोड़ा लंबा ही बेलना है। हम इसको ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है। अब हम ब्रश की सहायता से देसी घी को उस पर अच्छे से लगाएंगे। घी लगाने में बिल्कुल भी कसौटी नहीं करनी है, तो देसी घी को हमें इस पर अच्छे से लगाना है। अब हम इस पर सूखी मैदा को स्प्रिंकल करेंगे और इसको इस तरीके से रोल करेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से रोल करना है। इस तरीके से रोल करने से नान में लेयर्स ज़्यादा बनती हैं और इस तरीके से रोल करने के बाद हम इसके एंड को अच्छे से चिपका देंगे और फिर इसको हल्के हाथों से इस तरीके से रोल कर लेंगे। अब हम इसको चाकू की सहायता से बीच से कट कर लेंगे और इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। आप अपने पसंद के अनुसार इसके साइज़ को कट करें। अब हम आटे का एक पोर्शन लेंगे और इसको इस तरीके से अंदर करते हुए कटोरी का शेप देंगे और इसको उंगलियों से इस तरीके से दबाते हुए एक कटोरी का शेप देंगे। अब हम इसमें स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग को हम अच्छे से रख लेंगे और फिर उसे उंगलियों से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम स्टफिंग को आटे से अच्छे से कवर कर लेंगे। इसको हमें अच्छे से कवर करना है। अब हम थोड़ी सी सूखी मैदा को स्प्रिंकल करेंगे और अपनी तैयार नान को इसके ऊपर रखेंगे। अब हम इस पर थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया रखेंगे और इसको हल्के हाथों से प्रेस करते हुए फैलाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम इसको हल्के हाथों से दबाते हुए फैलाएंगे। आप चाहें तो इसको बेलन की सहायता से भी बेल सकते हैं। अब हम इसके पीछे वाले भाग पर अच्छे से पानी लगा लेंगे। पानी को हमें इसके ऊपर अच्छे से लगाना है। अब हम नान को गर्म तवे पर सेकने के लिए डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें इसको तेज आंच पर नहीं सेकना है। अब हम इसको पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से सेक लेंगे। इस साइड से भी हमें धीमी आँच पर ही सेकना है। अब हम इसको धीमी आँच पर अच्छे से सेक लेंगे। इसके किनारों को भी अच्छे से सेकेंगे। तेज आंच पर हम इसको नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये जल जाएगी। और चूचू नान जो है थोड़ी सी हैवी होती है, इसलिए हमें इसको धीमी आंच पर ही सेकना है। तेज आंच पर सेकने से ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। चूचू नान सेककर तैयार है। अब हम इस पर देसी घी लगाएंगे। घी को हमें इस पर अच्छे से लगाना है। अब हम इसको हाथों से थोड़ा सा दबाएंगे। आप इस प्रोसेस को सावधानीपूर्वक करिएगा, क्योंकि चूचू नान बहुत गर्म होती है। इसी तरीके से हम सभी चूचू नान को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।